हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ बस पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने गैस में फ्राई पैन रखा है और इसमें डाला है थोड़ा सा बटर, और बटर हमारा मेल्ट हो रहा है। इसे हमने हल्की आंच में रख के अच्छी तरह बटर को मेल्ट करना है, और बटर हमारा जल ना जाए इसके लिए थोड़ा सा हमें रिफाइंड डालना है इसमें। और देखिए, बढ़िया तरीके से हमारा बटर मेल्ट हो गया है, और अब हमने इसमें डाल दिए हैं कटे हुए पनीर के टुकड़े। अब हम इसमें डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, नमक डाल के अच्छी तरह से मैरिनेट करते हैं। देखिए हमारा पनीर कितनी बढ़िया तरीके से मैरिनेट हो रहा है। और अब हम जैसे ही मैरिनेट होता है हम इसको खाली कर देते हैं और पिज़्ज़ा बेस लेके उसको बराबर सा कट लगाते हैं, जिससे हम अच्छी तरह उसके अंदर जो है चीज़ को भर सकें, क्योंकि हम बना रहे हैं चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा, जिसे खाने में मज़ा ही आ जाए। देखिए मैं पिज़्ज़ा बेस को अच्छी तरह के से कट कर रही हूँ। मैंने चाकू भी बड़ा लिया हुआ है, पर आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा, मेरा पिज़्ज़ा बेस थोड़ा थोड़ा कटा है, पर जैसे ही मैंने दूसरे साइड चलाया तो मेरा पिज़्ज़ा बेस कट तो गया, पर वो थोड़ा सा गलत कट गया, क्योंकि जो ऊपर का कटना था वो नीचे कट गया, जो नीचे का कटना था वो थोड़ा सा ऊपर कट गया। अब देखिए इसमें काफ़ी अच्छा खासा होल हो गया है। अब इसको मैं ऊपर से इसको स्प्रेड करके रख दूँगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे बनाना है। मैंने पिज़्ज़ा बेस को जो कट किया है, इसका नीचे का साइड जो है उसको मैंने लेके इसमें स्प्रेड चीज़ अच्छी तरीके से लगानी है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड चीज़ लूँगी और अच्छी तरह पूरे पिज़्ज़ा बेस में इसको लगाऊंगी, क्योंकि तभी हमें पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आएगा जब चीज़ पूरी अच्छी तरीके से इसमें लगेगी और वो मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए चीज़ हमारी अच्छी तरीके से लग गई है। इसमें मैंने स्प्रेड चीज लगा दी है खूब बढ़िया तरीके से। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा पिज़्ज़ा का पार्ट कटा हुआ है उसको हमने अच्छी तरीके से उसके ऊपर रख के दबा दिया है। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस से भी टॉपिंग कर सकते हैं, और मैंने सॉस लिया है और डाला है इसमें थोड़ा सा मेयोनीज, और मैं दोनों को मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद पूरा पिज़्ज़ा बेस में अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसका, जो मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला के पूरा फैला लिया है अच्छी तरीके से, ये देखिए। और अब मैं इसमें डालती हूँ चीज़ के स्लाइस तोड़ तोड़ के। मैंने थोड़ा कम लिया है, पर आप चाहें आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को चीज़ ज़्यादा पसंद होती है और बच्चे ज़्यादा ही पसंद करते हैं। और अब मैं ऊपर से डालती हूँ मोज़ला चीज़, और ये मुझे अभी थोड़ी डालनी है, ज़्यादा नहीं, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा ले सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है कि आप कितना लें, पर मैंने अभी थोड़ा सा डाला है क्योंकि अभी इसमें गार्निशिंग बाकी है। अब मैंने जो पनीर जो मैरिनेट किए थे वो मैं अच्छी तरीके से इसमें डेकोरेट कर देती हूँ। आप चाहें तो थोड़े पनीर ले सकते हैं, आप चाहें उसको ज़्यादा पनीर भी ले सकते हैं, पर मैंने मीडियम साइज़ में थोड़ा सा ही पनीर लिया है, वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए, और मैंने अनियन काट के रखा है थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में, वो अनियन भी मैंने अच्छी तरीके से इसमें लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली है, मैंने सिर्फ अनियन और पनीर डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्न। आपके पास कॉर्न है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको नहीं भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और अब मैंने फिर से देखिए अब डाली है मोज़ला चीज़, वो भी अब डालूंगी मैं काफ़ी भर भर के, ताकि जब हम इसको ओवन में डालते हैं तो क्या चीज़ उसकी जो बहती है ना, उफ मज़ा ही आ जाता है वो खाने में। ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गया है, और मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट करके रखा हुआ है, और अब मैं इसको जैसे ही पिज़्ज़ा को स्टैंड में रख के ओवन में डालती हूँ तो 180 सेंटीग्रेड के उसमें मैं रखती हूँ, ताकि बहुत अच्छी तरीके से हमारा पिज़्ज़ा मेल्ट हो पक जाए और चीज़ जो है अंदर से बाहर तक की पूरी मेल्ट हो जाए। देखिए मैंने ओवन किया बंद, और अब जैसे ही मैंने ओवन खोला है,
अब इसकी चीज देखिए कैसे मेल्ट हो रखी है। मजा आ गया देख करके। ये देखिए मैंने निकाल के अच्छी तरह रख लिया है। हाथ में ग्लव्स पहनना है क्योंकि अवन गर्म होता है तो स्टैंड गर्म गर्म लगेगा। अब देखिए मैंने इसको लेके इसकी प्लेटर में प्लेट कर लिया है। ऑर्गिनो और चिली फ्लेक्स डाली है। अब आप सॉस ऊपर से डालिए और इंजॉय कीजिए चीज बर्स्ट पिज्जा। देखिए खाइए और बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।